रोड सेफ्टी अने प्रज्ञा चक्षु अने प्रत्ये समाज में जागरूकता लावाना उद्देश्य साथे मुंबई नो प्रज्ञा चक्षु युवान इंडिया गेट थी ब्लाइंड साइकलिंग अभियान लईने 7500 किलोमीटर नी भारत भ्रमण नी यात्रा निकळ्यो छे जेने मार्गदर्शित करवा 18 सभ्योनी टीम पण तेनी साथे जोड़ाई छे। मुंबई नो 25 वर्षीय प्रज्ञा चक्षु युवान अजय लालवाणी प्रज्ञा चक्षु होवा छतां तेणे जीवन ने कंईक अलग अंदाज में लीधु छे। साइकलिंग, रॉक क्लाइम्बिंग, स्विमिंग सहित ना स्पोर्ट्स में साहस देखाड़ी प्रज्ञा चक्षु पण सामान्य व्यक्ति नी जेम शिखरो सर करी शके छे एनो संदेशो आप्यो छे। 15 नवेम्बर थी अजय मुंबई ना इंडिया गेट खाते थी रोड सेफ्टी अने प्रज्ञा चक्षुओ माटे समाज में जागरूकता साथे ना संदेश ब्लाइंड साइकलिंग अभियान आरंभ्यु छे। અજય સાથે તેને સાયકલિંગમાં માર્ગદર્શન આપવા માટે 18 સભ્યોની ટીમ પણ છે। એક દિવસના પ્રવાસ બાદ પ્રજ્ઞા ચક્ષુ અજય આજે નવસારી પહોંચ્યો હતો। અજય વિશ્વના સૌથી ઊંચા શિખર માઉન્ટ એવરેસ્ટને સર કરવા માંગે છે, જેથી એવરેસ્ટ ચડવા માટે તેની ક્ષમતા પણ વધારી રહ્યો છે। યે એક સાયકલિંગ એક્સપેડિશન હે, મે 100% વિઝ્યુઅલી ઇમ્પાર્ડ હું, સો હમને મુંબઈ ગેટવે સે कल सुबह 15 तारीख नवंबर की निकले हैं हम लोग 4 बजे मुंबई से लेके श्रीनगर तक जाने वाले हैं। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से मुंबई तक हम साइकिल पे ये पूरा रूट जो है वो करने वाले कंप्लीट हुए। वो यानी ऐसे कि विजुअल इम्पैर्ड हूँ मैं खुद, सो विजुअल इम्पैर्ड के लिए अवेयरनेस आज भी सोसाइटी में नहीं है, वो आनी चाहिए। दूसरा यानी कि रोड सेफ्टी के लिए, क्योंकि आज भी रोड उतने सेफ नहीं हैं, क्योंकि मैं खुद पैदल चलता हूं तो मुझे काफ़ी सारे रोड के इसमें एक्सपीरियंस मिल चुके हैं। मैं खुद राइड करता हूं नेविगेशन पे, नेविगेशन के ऊपर, तभी मुझे जब भी नेविगेशन किया जाता है तभी काफ़ी सारे रोड्स उतने प्रॉपर नहीं जो मैं सिर्फ उनके नेविगेशन से ही चल पाऊँगा। मैं बहुत बार गिरा भी हूँ उसमें। અજય મુંબઈથી શ્રીનગર, શ્રીનગરથી કન્યાકુમારી અને કન્યાકુમારીથી મુંબઈ સુધીનું સમગ્ર ભારત ભ્રમણ 45 દિવસમાં 7500થી વધુ કિલોમીટર સાયકલ ચલાવીને પૂરું કરશે। ઉલ્લેખનીય છે કે માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરવાની ચાહના રાખનાર અજય પ્રજ્ઞા ચક્ષુ હોવા છતાં હિમાલય 17000 અને 20000 એમ બે વાર ટ્રેકિંગ પણ કરી ચૂક્યો છે। એનડીસી ન્યૂઝ નવસારી।